हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज हम बनाते हैं मीठा, वो भी मिल्क पाउडर से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने लिया है मिल्क पाउडर, ये एक कटोरी है, एक कटोरी से थोड़ा सा कम है। तो चलिए इसे हम पहले एक कढ़ाई लेंगे, ये देखिए, और इसी में हम डाल लेंगे इसको। अब हम इसमें एक कटोरी देखिए दूध डालते हैं और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि हम अगर इसको गैस पे जला के मिलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ आ जाएंगी। तो इसको हम सबसे पहले मिला लेते हैं। देखिए इसमें गुठलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। अब चलिए हम गैस जलाते हैं। चलिए जलाते हैं गैस, और अब हम इसको गैस पे रख देंगे और इसे हम चलाते हुए इसका अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करते हैं। इसको हम लगातार चलाएंगे ताकि ये कढ़ाई में लगे ना और इसमें गुठलियाँ ना आए। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, तेज छिटक रहा है, ऊपर पड़ सकता है, तो इसे हम चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए, अब हम इसी स्टेप पे हम इसमें डालेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास है नारियल के लच्छे, ये देखिए, तो इसको हम इसी में डाल देते हैं। ये एक कटोरी है और इसे भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए, और इसे हम चलाते हुए पकाएंगे। आप चाहें तो इसमें इसी समय ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, हम इसमें ड्राई फ्रूट नहीं डालेंगे। ये देखिए, ये हमारा तैयार हो चुका है। अच्छा, चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमने एक प्लेट लिया था, इसमें हमने घी से ग्रीस कर लिया है। चलिए इसी में हम इसे पलट लेते हैं। आपको जितना मोटा या पतला रखना है आप उतना मोटा पतला इसको रख सकते हैं। इसे हम अच्छे से सेट कर देते हैं। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से सेट कर दिया है। अब ऊपर से हम इसे पिस्ते से गार्निश कर देंगे। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। पिस्ते को हमने बारीक सा तोड़ लिया, इसका पाउडर बना लिया है, इसी से हम इसे गार्निश कर देंगे। देखिए, हल्का सा प्रेस कर देंगे। ये देखिए, अब इसे हम 1 घंटे के लिए इसी तरह किचन काउंटर पे छोड़ देते हैं। ये देखिए, 1 घंटा हो गया है, ये हमारा जल चुका है। चलिए इसे हम काट लेते हैं। हमने इसमें चीनी नहीं डाला है, अगर आपको मीठा पसंद है तो आप चीनी इसमें डाल सकते हैं। देखिए इसे हम ये देखिए, हमने इसे काट कर तैयार कर लिया है। चलिए एक पीस हम आपको टेक कर दिखाते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी बर्फी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है ये। तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग करके फिर आपको दिखा रहे हैं।
ये देखिए हमारी बर्फी बनकर तैयार है। कितनी अच्छी लग रही है दिखने में, और टाइम भी बहुत कम लगता है और सामान भी बहुत कम लगता है। तो आप इसे तुरंत 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप भी इसे बनाइए, खाइए और हमें बताइए कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।